नाउ फोर्थ केस, सेम चीज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज, आपको याद होना चाहिए साइज हम इमेज की बात कर रहे हैं, नेचर भी इमेज की बात कर रहे हैं। अब आप देखो सबसे पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। थर्ड केस में एट सी। तो आपके पास पोल फोकस सी। अब पॉइंट क्या क्या बचा, पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, फिर सी के पीछे आया, अब सी पे आया, तो उसके बाद कौन सा पॉइंट बचता है, सी और एफ के बीच में। तो नेक्स्ट फोर्थ केस क्या होगा आपका, मैन ऑब्जेक्ट बिटवीन एट सी एंड एफ, एट सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, बिटवीन सी एंड एफ। ओके माय स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज़ याद करो, रिवर्स बैक लेते हैं हम लोग। जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था, इमेज क्या मिला, सी और एफ के बीच में। अब केस उल्टा है, अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ मिलेगा माय स्टूडेंट्स, तो इमेज क्या मिलेगा, बियॉन्ड सी। याद कर लो, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग पैरेलल टू, सॉरी व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। सेकंड केस, व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है सी के पीछे मिलेगा, तो आपको ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे को वहीं मीट कराना सी के पीछे। ओके माय स्टूडेंट्स, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। नेचर और साइज आपको पहले बोली हूँ, इसमें पांच केस में पूरा रियल एंड इन्वर्टेड है, बस एक लास्ट केस में इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये तीन केस इजीली है, तीन पॉइंट याद हो गए। अब लास्ट पॉइंट के साइज, साइज का भी ट्रिक है। सबसे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इमेज बहुत छोटा था, मतलब पॉइंट साइज बिंदु दिखा था आपको इमेज। मान लो आपका फ्रेंड बहुत दूर खड़ा, उसको फोटो खींच रहे हो, बहुत छोटा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज। सेकंड, ऑब्जेक्ट सी के पीछे आया, इमेज थोड़ा दिखा, फिर भी साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था। थर्ड केस, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी सी के ऊपर ही मिला, लेकिन क्या था इसमें, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले बहुत छोटा, फिर थोड़ा सा दिखने लगा, फिर इक्वल हो गया, उसके बाद इक्वल के बाद क्या होगा, साइज बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके माय स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मैग्नीफाइड लिखते हैं, वो भी सही है। अब केस फिफ्थ, फिर चार पॉइंट आपको ड्रॉ लिखने हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज ऑफ इमेज, फिर रे डायग्राम के लिए वही सेम चीज़ कॉनकेव में ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था, तो उसके बाद वाला केस क्या होगा, उस पर पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, एफ। तो अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, एट फोकस। याद रख लो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट फोकस। तो इमेज क्या मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ मिला था, फोकस पे। तो अब ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज कहाँ मिलेगा, एट इन्फिनिटी। ओके माय स्टूडेंट्स, नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज देखते हैं कितना होगा, स्टार्ट करते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड केस, जब ये पोल से जाता है तो क्या होता है, सेम एंगल से नीचे रिफ्लेक्ट होता है। ओके माय स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्टेड रे इमेजिन करते कहीं दूर जाके मिलेंगे, कहीं दूर मतलब इन्फिनिटी पे। इसका मतलब क्या होगा, इमेज कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे, बहुत बड़े साइज में।
ओके माय स्टूडेंट्स, इसलिए साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, या फिर आप क्या लिख सकते हैं उसमें, मैग्नीफाइड। ओके माय स्टूडेंट्स, आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। अब आते हैं लास्ट केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस क्या है इसमें, केस सिक्स। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये आप खुद बताएंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, साइज। अब बताओ मुझे, यहाँ पे फोकस भी यूज हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब कौन सा पॉइंट बचा, क्या ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ रख नहीं सकते, अब क्या बचा, फोकस और पोल के बीच में। तो नेक्स्ट केस में आप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा इसका, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे। नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज भी आप बताओगे, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी, फोकस और पोल के बीच में, याद रखना ए बी। तो इंसिडेंट रे क्या होगी, यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सेम वे जब इंसिडेंट रे पोल से जाएगी तो ऐसा। अब देखो ये दोनों दूर जा फैलती हुई नजर आ रही है, मतलब ये इन्फिनिटी भी जाके भी मीट नहीं करेगी। तो हम इमेजिन करते हैं, इट मीन्स अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर। इमेजिन कर रहे हैं कहाँ जाके मिलेगी ये, मिरर के पीछे। इट मीन्स इट अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर, ए डैश बी डैश। अब आप देखो ए बी जैसा था वैसे ए डैश बी डैश दिख रहा है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों में कंपेयर करिए। इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक अपीयर्स टू मीट हो रहा है तो फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड केस देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था ऑब्जेक्ट, तो ऊपर ही इमेज है, मतलब इसमें क्या है आपका कंडीशन, पोजिशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। अब पता है आपको बिहाइंड द मिरर हो रहा है मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा है इसका, बहुत बड़ा है, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें, हाईली मैग्नीफाइड। अगर आप हाईली वर्ड नहीं जोड़ते तो भी चलेगा। दिस इज द सिक्स केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। तो आपको पहले एक बार याद करा दूं मैं।